वर्तमान 2017 ओटेट पेपर टू रे आसिबा मैथ्र समस्त क्वेश्चन डिस्कशन करबा एवं जेउ माने मैथ्र 2013 रु 2016 पर्यंत देखि नांती वीडियो प्लेलिस्ट जे देखंतु जा फळ रे आपनर ओटेट एग्जाम सह जूनियर टीचर एग्जाम मध्ये बहुत हेल्पफुल हेबो। देखिबा आजर फर्स्ट क्वेश्चन ए बी सी तीनोटी गणन संख्या जेपर कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1 तेबे ए बी सी रो मान केते एठार आम ए बी सी मान आने आम ऑप्शन साइड गले बहुत शीघ्र सॉल्व कर पार जहाँकि आम ए रान जदि 2 पकेबा एवं बी रान 3 पकेबा एवं सी रान 6 पकेबा एठार आम ए इक्वेशन वैल्यू 1 पाइपर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रकार गणित को जब आम सॉल्व करवा प्रथम आम तलपट सॉल्व कर आसवा जदि एठार आम तले सॉल्व करवा 1 माइनस 1/3 रे वैल्यू हम पाइबा 2/3 वर्तमान 1 डिवाइडेड बाय 2/3 बदल रे आम ऊपर को 3 मल्टीप्लाई करले 3/2 लिखि परबा जाके एठार आम वर्तमान सॉल्व करवा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 जाके या को हम सॉल्व करले पाइबा वर्तमान 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 2 जाके 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 जहाँकि 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 या को सॉल्व करले पाइबा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 जहाँकि राइट आंसर हेबो 3/5 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी और क्यू ऑफ एक्स इक्वल ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन जेउंटी ए इज नॉट इक्वल 0 एवं ए वन इज नॉट इक्वल 0 एवं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स रो गुणफल आर ऑफ एक्स हेले आर एक्स टी के प्रकार पॉलीनोमियल हम एठार पी ऑफ एक्स रो हाईएस्ट वैल्यू ए इंटु एक्स क्यू से हीपरी क्यू ऑफ एक्स रो हाईएस्ट पावर होची ए वन इंटु एक्स स्क्वायर जदि या को मल्टीप्लाई करवा ए ए वन एक्स रो पावर एठार आम 3+2 जहाँकि 5 पाइबा करेक्ट आंसर एवं एटार हाएस्ट पावर आम एक्स रो वैल्यू 5 पाइबा जहाँकि यह हूँ गोटे पंचघाती पॉलीनोमियल राइट आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3^(n-2) इक्वल 9^(5-n) हेले एन र मान केते एठार आम एन रान आने आधार दुटा जाक सामान करवा जहाँकि प्रथम 3^(n-2) इक्वाल 9^(5-n) बदल आम 9 बदल 3 रो स्क्वायर पकई पार्बा स्क्वायर इंटु 5-n जहाँकि एठार आम 3 कैनसल कले एन माइनस 2 इक्वाल 2 इंटु 5-n पाइबा जहाँकि यह गोटे इक्वेशन या को हम जब देखा एन माइनस 2 इक्वाल 2 इंटु 5 10 माइनस 2n बर्तमान एन को एपट आनले 3n इक्वाल 12 हेबो बर्तमान एन रैल्यू पाइबा गले 12/3 करवा जहाँकि राइट आंसर हेबो ऑप्शन ए 4 हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश कि गोटे जमी को तार किणा दाम ठारु 10% अधिक दाम रमजान को बिक्री कला किछि दिन पर रमजान से जमी को ता किणा दाम ठारु 10% अधिक दाम रमेश को बिक्री कला तेबे वर्तमान रमेश एथर जमी किणवाई दाम तार प्रथम किणा दाम अपेक्षा केते शतकड़ा अधिक मनेक रमेश जमीटी किणी थिला 100 टंका रे रामजान को बिकिबो 100 रे 10% रे अर्थात 110 रे बिकिला वर्तमान रामजान पुणी रमेश को 110 रे 10% लाभ रे बिकिबो 110 रे 10% हेबो 11 एवं से बिकिबो 110 प्लस 11 जहाँकि 121 टंकार बिकिबो वर्तमान सी प्रथम किणीला 100 टंकार एवं वर्तमान किणला 121 टंकार से केते अधिक किणला 21% 21 टंका अधिक किणला प्रथम किणीला 100 रे इंटु 100 जहाँकि राइट आंसर हेबो 21% ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित शिक्षादान क्यों पद्धति जड़े निर्दिष्ट साधारण आड़ को गति करें ऑप्शन ए विश्लेषण ऑप्शन बी संश्लेषण ऑप्शन सी आरोहण ऑप्शन डी अवरोहण राइट आंसर ऑप्शन सी आरोहण से अवरोहण में साधारण निर्दिष्ट आड़ गति करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर में क्यों पद्धति परीक्षामूलक ज्यामितिक उपपाद्य शिक्षादान देवा उचित ऑप्शन ए आरोहण ऑप्शन बी अवरोह ऑप्शन सी विश्लेषण ऑप्शन डी संश्लेषण राइट आंसर ऑप्शन ए आरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्तव संख्यार संज्ञा लेख यही प्रश्नर क्यों प्रकार शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक ऑप्शन ए ज्ञान ऑप्शन ए बुद्ध ऑप्शन सी प्रयोग ऑप्शन डी विश्लेषण
राइट आंसर ऑप्शन ए यह ज्ञानभित्तिक प्रश्न अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा निम्ते गणितर प्रश्न प्रस्तुत करने समय क्यों गुरुत्व देवा उचित। ऑप्शन ए प्रश्न गुड़िक उद्देश्य भित्तिक करने, ऑप्शन बी सरल करने, ऑप्शन सी परोक्ष भाव पचार, ऑप्शन डी जटिल करने। राइट आंसर ऑप्शन ए उद्देश्य भित्तिक होगा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ शून्य स्थान करने प्रकार प्रश्न गुड़िकर क्यों उत्तर चयन करार अधिक स्वाधीनता थाए। एठार आम अधिक स्वाधीनता थाए अर्थात आम देखा पड़े मुक्त उत्तरमूल प्रश्नटी जहाँकि राइट आंसर ऑप्शन सी एथिरे आम एक प्लस आठ न पकई पार, चार प्लस पाँच न पकई पार, कि शून प्लस नौ न पकई पार, जहाँ मत पकड़े एटारे न आसवा आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जहाँकि एथिरे अधिक स्वाधीनता थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संख्या को 68 द्वारा भाग कले भागफल 269 एवं भागशेष शून हुए, जदि से संख्या को 67 द्वारा भाग कले भागशेष केत। प्रथम एटार आम भाज्य आने भाज्य युगल फर्मूला हूँ भाजक इंटु भागफल मिश्रण भागशेष जहाँकि सल्व कले 18,292 पाइबा एवं यह बर्तमान जब 273 भागफल एवं भागशेष पाइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे स्कूल छात्र संख्या और छात्री संख्यार अनुपात 7:8, जदि छात्र संख्यार 20% और छात्री संख्यार 10% वृद्धि हुए तेब छात्र छात्री संख्यार अनुपात केत। प्रथम एटारे 7:8 थी, जदि यहाँ आम 700:800 लिखिपर कारण एपट शहे गुण देने छात्र संख्यार 20% और छात्री संख्यार 10% भैल्यू बाहर करवा। छात्र संख्यार 20% भैल्यू बाहर कले 700 × 20/100 जहाँकि आम सल्व कले 140। बर्तमान छात्र संख्या है 700 + 140 यहाँ आम सल्व कले 840 हूँ बर्तमान छात्र संख्या। से हीपरी छात्री संख्या को देखिले 800 थी बर्तमान वृद्धि 10% यहाँ आम सल्व कले 80 जहाँकि प्रथम थी 800 बर्तमान है 80 टोटाल 880। बर्तमान छात्र और छात्र अनुपात आनले प्रथम छात्र अनुपात देखिले 840 = छात्र अनुपात है 880 यहाँ आम सल्व कले 21:22। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि 3x² + 8x + k पॉलिनोमियल गोटे जीरो अन्यटे प्रतिलोमी हुए तबे के रो मान केते। आमे जानो दुई घाती समीकरण रे एक्स रो पावर जदि 2 थाए एठार आम दुईटा भैल्यू पाइबा जहाँ गोटे अल्फा है अन्यटे बीटा। एठार कहुई गोटे अन्यटर प्रतिलोमी अर्थात जदि आम गोटे अल्फा नवा एठार बीटार भैल्यू हे 1/α बा 1/α। एठार आम बर्तमान अल्फा एवं 1/α पाइले दुईटी संख्या अल्फा इंटु बीटा इक्वल c/a जहाँकि आम सल्व कले अल्फा इंटु 1/α इक्वल c/a अर्थात एठार सी हूँ के डिवाइडेड बाय ए रैल्यू हूँ 3 जहाँकि आम सल्व कले के रैल्यू पाइबा ऑप्शन ए 3 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन a/x - b/y = 0 एवं ab² + x + a² b/y = a² + b² हेले सह समीकरण दुईर समाधान केत। यह प्रकार क्वेश्चन को सल्व करवाई आम जब ऑप्शन साइड जा खूब शीघ्र आंसर पाइबर। बर्तमान ऑप्शन ए को पुट करवा एटार एक्स रैल्यू ए और वाई रैल्यू बी को पुट कले a/a अर्थात a/a हूँ 1 - b/y अर्थात 1 = 0 जहाँकि इक्वेशन 1 ठीक हो। सेपर इक्वेशन बी को देखा ab² / a + a² b / b यहाँ जो सल्व करवा a² + b² पाँच जहाँकि इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड। सो राइट आंसर ऑप्शन ए 147.1369 धनात्मक वर्गमूल केत। एठार जदि आम दशमिक उठेबा 147.1369 / एक और 4 शून्य रोक जहाँकि जदि यार जब वर्गमूल बाहर करवा यही संख्यार वर्गमूल हूँ 1213 / एठार एक और 4 शून्य अच्छी वर्गमूल बाहर करवा एक और 2 शून्य रोक जहाँकि राइट आंसर हे या सल्व कले 12.13। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी ब्लू प्रिंट न थाए। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य पर गुरुत्व, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर गुरुत्व,
ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ଡି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୋପାନର ଠିକ୍ ଅନୁକ୍ରମ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏହାପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ବି ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁରୂପ, ଅପସନ୍ ବି ସମାପନ, ଅପସନ୍ ସି ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ଛାତ୍ର କାହିଁକି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 6,860 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 19ର ଘନମୂଳ ହେବ? ଏଠାରେ 19ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 6,869 ଏବଂ 6,860 ଯଦି ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା ଆମେ 19ର ଘନମୂଳ ପାଇବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜଟି 4ଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନସ୍ତବ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ? ଏଠାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 4ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏହି 4ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମୂଳ ତ୍ରିଭୁଜ ସହ ସର୍ବସମ, ଅପସନ୍ ବି ମୂଳ ତ୍ରିଭୁଜ ସହ ସଦୃଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ମୂଳ ତ୍ରିଭୁଜ ସହ ସଦୃଶ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ 8 ସେମି ବର୍ଷା ହେଲା, 7 ହେକ୍ଟର ଜମି ଉପରେ କେତେ ଲିଟର ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପଚରାଯାଇଛି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଣିବା ହେଲେ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍, ଏଠାରେ ଏରିଆ ହେବ 7 ହେକ୍ଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ ହେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଟର କନଭର୍ଟ କରିବା 10^4 ମିଟର ହେବ, ଇଣ୍ଟୁ ସେହିପରି 8 ସେମିକୁ ଯଦି ମିଟର କନଭର୍ଟ କରିବା 8 ÷100, ଯାହାକି 10² ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା 56 × 10² m³ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲେ 56 × 10² × m³ ଯଦି ଆମେ m³ ଯଦି ଆମେ ଲିଟର କନଭର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଜାଣୁ 1 m³ = 10 l³। ବର୍ତ୍ତମାନ 56 × 10² × 10 l³ ହେବ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲେ 56 × 10⁵ l। ଯଦି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଦେବା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 10 ଗୁଣିବା, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲେ 5.6 × 10⁶ l ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ AB = BD = AD, BC = CD ଏବଂ MA ABCର ପରିମାଣ 100° ହେଲେ MA BCDର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? AB, AD, BDର ବାହୁର ପରିମାଣ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 3ଟି ଯାକ ବାହୁର ପରିମାଣ ସମାନ, 3ଟି ଯାକ କୋଣର ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ, ଯାହାକି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 60° ଲେଖାଏଁ ହେବ। ସେହିପରି ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ BCDରେ BC ବାହୁର ପରିମାଣ ଏବଂ CD ବାହୁର ପରିମାଣ ସମାନ, ଯଦି 2ଟି ଯାକ ବାହୁର ପରିମାଣ ସମାନ, 2ଟି ଯାକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ଯାହାକି AB = AD ହେବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏକଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ABCର ପରିମାଣ ଯଦି 100°, AB ର ପରିମାଣ ଯଦି ଆସିଲା 60°, ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ 40° ହେବ। ଯଦି AB ର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 40° ଏବଂ AD ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 40° ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି 180°ରୁ ଯଦି ଆମେ 80° ଫେଡ଼ିବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ABCDର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବା ଆମେ, ସେ 80 - 80 = 100° ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 12 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଓ 1.5 ମିଟର ଓସାର କନାରୁ 25 ସେମି ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବର୍ଗାକୃତି ରୁମାଲ କନା ମିଳିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆୟଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଣିବା, ଯାହାକି 12 ମିଟର ଓ 1.5 ମିଟର ଓସାରର, ଏହାପରେ 25 ସେମି ବର୍ଗାକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଣିବା, ଶେଷରେ ଆମେ ଆୟଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଏ ବର୍ଗାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଡିଭାଇଡ଼୍ କଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁମାଲ କନା ମିଳିବ ପାଇଯିବା। ଆୟଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ 12 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 1200 ସେମି ଇଣ୍ଟୁ 1.5 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 150 ସେମି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା 18^4 ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଣିବା 25 ସେମି, 25ର ସ୍କୋୟାର ହେବ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ A²।
एवं 25 रो स्क्वायर हे 625। वर्तमान 180,000 डिवाइडेड बाय 625 गले हम आंसर पाइबा ऑप्शन डी 288 रुमाल कंद मिलबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जणे दुकान गोटे बिजुली पंखा को किणा दाम ठारु 15% अधिक दाम रे पंखा ऊपर लिखुथिले, मात्र बिक्री करिया बेले लिखित दाम ऊपर 10% रियायती देले, तेबे से पंखाटी को बिक्री करी तार किणा दाम ऊपर केते लाभ पाइबे? किणा मूल्य 100 एवं मार्क प्राइस रहइबो 15% अधिक लिखुथिले 115% अर्थात 115 मार्क प्राइस, एवं बिक्री करिबो अर्थात सेलिंग प्राइस रहइबो मार्क प्राइस रो 10% डिस्काउंट देउथिले अर्थात 115 × 10/100 जैक या हम सल्व कल पाइबा 11.5 एवं तार सेलिंग प्राइस रहइबो 115 − 11.5 इक्वाल 103.5, किंतु से किणी थिला 100 टंका रे, बिक्री कला 103.5 रे, ताको लाभ होला 3.5 एवं किणा मूल्य 100 × 100 जैक राइट आंसर हेबो 3.5%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू जेते आर स्थिर एवं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जेते क्यू स्थिर। जदि पी इक्वल 10 और क्यू इक्वल 8 हेला बेले आर इक्वल 4 हुए, तेबे पी इक्वल 15 और क्यू इक्वल 9 हेले आर वैल्यू केते हेबो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम इक्वेशन हला पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सेकंड इक्वेशन हला पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जदि आमे ए दुटा इक्वेशन को कंबाइन कर लिखिबा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डिवाइडेड बाय आर पाइबा। जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह उठेबा पी इक्वल के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, एठारे पी रो वैल्यू दिया है इसी केते 10 इक्वल के इंटू क्यू रो वैल्यू होची 8 डिवाइडेड बाय आर रो वैल्यू होची 4। एको जदि हम सॉल्व करबा के रो वैल्यू पाइबा 4 × 2 × 5, के रो वैल्यू पाइला हम 5। सही हिसाब रे हमें वर्तमान आर रो वैल्यू बाहर करबा, हमें जानो पी इक्वल के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, आमर पी दिया 15 इक्वाल के एर वैल्यू आसला 5 × Q है 9 / आर। यह जो हम सल्व कराया 15 × 3 = 45 हो जहाँकि आर रैल्यू हेब 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जन लोक प्रत्येक दिन 6 घंटा कम कर गोटे कार्य को 16 दिन शेष करती, जदि 8 जन लोक दैनिक 8 घंटा लेखाएं कार्य करती तेबे सेमाने कार्यटि केते दिन रे शेष करिवे? एठारे आमे फॉर्मूला पकेबा H1 M1 D1 / W1 इक्वल H2 M2 D2 / W2। प्रथम मेन होती केते प्रथम थिले 12 जन इंटु दैनिक 6 घंटा काम करथिले, से हिसाब रे 16 दिन काम करिवे डिवाइडेड बाय वर्क गोटे कार्य को इक्वल 8 जन लोक दैनिक 8 घंटा काम करथिले एवं केते दिन काम करिवे आम वर्तमान आनिबा डेट आनिबा डिवाइडेड बाय सेही काम को आका गोटे वर्क। एहा को जदि हम सॉल्व करिबा डे र वैल्यू पाइबा ऑप्शन ए 18 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x²-1/x² = 14 हेले x²+1/x² मान केते हेबो? एठार आमे x²-1/x² = 14 एहा को जदि हम सॉल्व करिबा x² कॉमन बाहरिबो जाके x²-1 = 14। एहा जों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिबा x²-1 = 14x² तो जदि आमे लेफ्ट साइड आनिबा x²-14x² - 1 = 0। वर्तमान एठार आमे x² को जदि y नबा y²-14y - 1 = 0 y रो वैल्यू बाहर करिबा y = -b अर्थात -(-14) 14 √(b²) 14² = 196 -4ac -4 × a × 1 सी ए होची -1 जाके +4 डिवाइडेड बाय 2 × a एर वैल्यू 1। या को जदि हम सॉल्व करिया वर्तमान 14 ± √(200) / 2 इक्वल 14 ± 200 बदल रे आमे 100√2 लिखि परबा जाके 100 होची 10√2 डिवाइडेड बाय 2। या को जदि हम सॉल्व करिबा 7 ± 5√2 हेबो y रो वैल्यू जाके y = x², हमर x² वैल्यू आसीला 7 ± 5√2। वर्तमान हमर x² वैल्यू आसीला 7 + 5√2। वर्तमान हमें 1/x² वैल्यू आनबा 1/x² हेबो 1 / 7 + 5√2
जदि एठार आम सेवेन माइनस फाइव रु टू डिवाइडेड बाय सेवेन माइनस फाइव रु टू करवा एठार आम पाइबा सेवेन माइनस फाइव रु टू डिवाइडेड बाय सेवेन रो स्क्वायर माइनस फाइव रु टू रो स्क्वायर कारण तले है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रो फर्मूला पड़ा एठार आम पाइबा सेवेन माइनस फाइव रु टू डिवाइडेड बाय सेवेन रो स्क्वायर उनचास माइनस फाइव रु टू रो स्क्वायर हे पचास जहाँकि उनचास माइनस पचास इक्वाल हे माइनस वन बर्तमान है सेवेन माइनस फाइव रु टू डिवाइडेड बाय माइनस वन जहाँकि सल्व कले माइनसटा ऊपर गले फाइव रु टू माइनस सेवेन पाइबा वन बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू एठार एक्स स्क्वायर वैल्यू आसला सेवेन प्लस फाइव रु टू प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू आसला फाइव रु टू माइनस सेवेन जहाँकि सेवेन सेवेन कैनसिल हेल्ले राइट आंसर हे टेन रुट टू ऑप्शन ए हे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दत्तचित्र ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर बाहुरे एस एक बिंदु जेपरिक पी एस इक्वल पी क्यू एम एंगल पी क्यू आर माइनस एम एंगल पी आर क्यू इक्वल तीस डिग्री हेले एम एंगल एस क्यू आर वैल्यू केते हेबो एहाको हम सॉल्व करले राइट आंसर पाइबा ऑप्शन डी फिफ्टीन डिग्री जहाँकि सॉल्व करिया पई बहुत जगह दरकार जहाँकि एठारे संभव नुहे टेलीग्राम चैनल रे ए क्वेश्चन रो सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा जाइछि जाइकि देखि नियंतु।